जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है 1 जनवरी 2019 तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए राकेश डायना क्लासेस को और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम लाइव आए या फिर कोई भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास आ जाए सबसे पहले। दोस्तों यदि इन क्लासेस का आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा एडवांस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कराया जाता है फुल सिलेबस, प्लस में सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस मिलती हैं, साथ ही साथ 50 प्रैक्टिस सेट आपको इसके अंदर मिलते हैं। और इसके अंदर कराई जाएगी आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है 1 जनवरी 2019 तक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी इंटरव्यू हो, इनमें से 2 क्वेश्चंस तो आपको 100% मिलेंगे हर एक एग्जाम में और हर एक इंटरव्यू में। तो इसको बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, इसका जो पीडीएफ आपको बाद में दे दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए हमारा जो राष्ट्रपति है वो है रामनाथ कोविंद, सभी को पता है। लेकिन उपराष्ट्रपति देखिए कुछ ही लोगों को पता होगा, वेंकैया नायडू। उसके बाद बात करता हूँ प्रधानमंत्री, तो सभी को पता है श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला आता है हमारा मुख्य न्यायाधीश, ये रंजन गोगोई। उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। द नेक्स्ट है हमारा DRDO, इसका देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए इसको, DRDO का अध्यक्ष कौन है, इसका कौन है, जी सतीश रेड्डी, याद रखिएगा जी सतीश रेड्डी। उसके बाद ऐसे भी याद कर सकते हैं यहाँ पे रेड्डी डी है तो यानी कि DRDO। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है, विनोद कुमार यादव, याद रखिएगा विनोद कुमार यादव। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी मार्क कीजिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। उसके बाद हमारे रेलवे मंत्री, सभी को पता है पीयूष गोयल है। हालांकि जो खेल मंत्री है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि खेलों से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो राजवर्धन सिंह राठौर, याद रखिएगा। रक्षा मंत्री निर्मला सीताराम, ये इम्पोर्टेंट है, डिफेंस के एग्जाम में आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा कि रक्षा मंत्री बताइए आपका कौन है, तो निर्मला सीताराम, याद रखिएगा। उसके बाद SEBI का अध्यक्ष कौन है, तो उसका आंसर है अजय त्यागी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, याद रखिएगा अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, उपाध्यक्ष, तो यहाँ पर कौन है वो, राजीव कुमार, क्या है, राजीव कुमार। नीति आयोग का CEO अमिताभ कांत, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों नीति आयोग पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो नीति आयोग का CEO कौन है, अमिताभ कांत। अब देखिए होता क्या है कि चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए हमने अभी लेटेस्ट ही दिए आपको, सो दैट कि आप इनको याद कीजिए, कोई भी आपका चाहे आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके अंदर इनके क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे, याद रखिएगा। उसके बाद है हमारे पास परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, परमाणु से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पे देखिए नागेश्वर राव गुंटूर, तो इसको भी आप याद कीजिएगा ज़रूर। उसके बाद है हमारे पास FTTI का अध्यक्ष कौन है, FTII, तो देखिए अध्यक्ष कौन है इसका, ब्रिजेंद्र पाल सिंह, क्या है, ब्रिजेंद्र पाल सिंह। देखिए उसके बाद हमारे पास मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रैंक है एक, ठीक है, तो इसका याद जरूर रखिएगा कि हमारा जो आर्थिक सलाहकार है मुख्य वो कौन है, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम, तो याद रखिएगा इसको। उसके बाद है हमारा वित्त सचिव, ठीक है, वो कौन है हमारा, अजय नारायण झा, याद रखिएगा अजय नारायण झा। देखिए अभी कुछ नए CM बने हैं आपके, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश का जो CM है वो कौन है, कमलनाथ, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का कौन है, कमलनाथ। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ में जो CM आपका वो है भूपेश बघेल, याद रखिएगा भूपेश बघेल, तो ये दो नए CM है, हालांकि राजस्थान का भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसरो के चेयरमैन के बारे में, कि कौन है इसरो का चेयरमैन, वो है KE सिवान, याद रखिएगा इसरो के जो चेयरमैन है वो कौन है, KE सिवान। उसके बाद NABARD अध्यक्ष कौन है, नाबार्ड के अध्यक्ष वह हर्ष कुमार बनवाला, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष कौन है,
वो है आपकी सुमित्रा महाजन। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट लोकसभा उपाध्यक्ष। देखिए एम थीबुंदर, एम थबींदर। उसके बाद है लोकसभा के महासचिव, लोकसभा के महासचिव वो है स्नेहलता श्रीवास्तव। नेक्स्ट है राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन है। देखिए राज्यसभा है जो, उसके विपक्ष नेता का नाम बताना, गुलाम नबी आज़ाद, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है हमारे पास भारत का महान्यायवादी, ठीक है, कौन है, के वेणुगोपा। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायुसेना के अध्यक्ष, नौसेना के अध्यक्ष और थल सेना के अध्यक्ष, आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो वायुसेना का तो आपको पता ही होगा, देखिए बीरेंद्र सिंह धनोआ। थल सेना का भी सभी को पता है, यानी कि आर्मी, तो बिपिन रावत। एयरफोर्स को गया यहाँ पे बीरेंद्र सिंह धनोआ। वहाँ पे बात करता हूँ नेवी की, यानी कि नौसेना अध्यक्ष की, तो सुनील लांबा, याद रखिएगा तीनों, बीरेंद्र सिंह धनोआ, सुनील लांबा और बिपिन रावत। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कैबिनेट सचिव की, ठीक है, प्रदीप कुमार सिन्हा, याद रखिएगा। और ये आपका इंपॉर्टेंट वन, एसबीआई के अध्यक्ष, यानी कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार, यानी कि रजनीश कुमार। अब देखिए सीबीआई के अध्यक्ष एम नागेश्वर राव, सीबीआई याद रखिएगा, सीबीआई के अध्यक्ष कौन है, एम नागेश्वर राव। देखिए जो ये लिस्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ इस बारे में। उसके बाद देखिए आईबी के अध्यक्ष कौन है यहाँ पर, वो है आपके राजीव जैन। उसके बाद बीएसएफ के अध्यक्ष, बीएसएफ के अध्यक्ष केवल कुछ ही लोगों को पता होगा, और इसका क्वेश्चन देखा जा रहा है कि कई बार एग्जाम में आता है, तो रजनीकांत मिश्रा, याद रखिएगा कौन है, रजनीकांत मिश्रा। उसके बाद बात करता हूँ सीआरपीएफ अध्यक्ष कौन है, सीआरपीएफ के है राजीव राय भटनागर, राजीव राय भटनागर। उसके बाद हमारे पास लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अरविंद सक्सेना, लोक सेवा आयोग कौन है अध्यक्ष, अरविंद सक्सेना। 21वें विधि आयोग का अध्यक्ष, याद रखिएगा 21वें विधि आयोग का अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान, ये इंपॉर्टेंट रैंक्स है आपके इंडिया के। एलआईसी का अध्यक्ष कौन है, विजय कुमार शर्मा, एलआईसी का अध्यक्ष कौन है, विजय कुमार शर्मा। उसके बाद आरबीआई गवर्नर, याद रखिएगा आरबीआई गवर्नर, शक्तिकांत दास, याद रखिएगा आरबीआई का गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। उसके बाद है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन, मल्लिका अर्जुन। देखिए आपको याद करने का तरीका क्या होगा, कुछ कुछ अपने मन में कीजिए, इस लिस्ट को 2-3 बार कीजिए, कहीं कहीं ट्रिक्स बनाइए, और लिस्ट को ऐसा याद कीजिए कि आप कभी ना भूलें। मैं तो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारे 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है, जो आपका 7वां वेतन आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर, याद रखिएगा अशोक कुमार माथुर। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, वो आपका वेतन था, याद रखिएगा ये आपका वित्त है, तो ये कौन आपका, बाई बी रेड्डी, याद रखिएगा बाई बी रेड्डी। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, देखिए 14वां ये 15वां, एन के सिंह, हमें याद रखना पड़ता है कि पिछला कौन था अब वाला कौन है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से, तो देखिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच आई थिंक सभी को पता होगा रवि शास्त्री अभी। उसके बाद बात करता हूँ आईसीसी का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, जो आपकी क्रिकेट की आपकी एसोसिएशन है आईसीसी, तो देखिए यहाँ पर है शशांक मनोहर, शशांक मनोहर। उसके बाद है SAARC का महासचिव, SAARC का महासचिव अमजद हुसैन बी सियाल। उसके बाद है मानव संसाधन विकास मंत्री कौन आपका, देखिए मंत्री भी इंपॉर्टेंट है, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेडकर, कौन है आपके, प्रकाश जावेडकर। नेक्स्ट इज भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बात्रा, याद रखिएगा नरेंद्र बात्रा। उसके बाद है आपका ये ओलंपिक का संघ था आपका, स्पोर्ट्स से भी इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? एंटोनी गुटेरेस। उसके बाद सेंसर बोर्ड की बात करते हैं, जैसे सेंसर बोर्ड का मूवी वगैरह जो देता है लाइसेंस, उसका अध्यक्ष कौन है? परसून जोशी, याद रखिएगा परसून जोशी। उसके बाद आपका जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर, याद रखिएगा जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। अभी कुछ मंत्री हैं इंपॉर्टेंट, गृह मंत्री आपका कौन है? याद रखिएगा ये बिल्कुल आपको टिप्स पे, यानी कि बिल्कुल आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। गृह मंत्री कौन आपका? राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। वहीं आपका वित्त मंत्री कौन है? अरुण जेटली। ठीक है, उसके बाद आपका रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन, हालांकि हम इसको पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद भारत का जहाज रानी, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय मार्ग मंत्री, याद रखिएगा इनके जो आपका एयरप्लेन हो गया, आपका जो राष्ट्रीय नेशनल हाईवेज का जो मंत्री हो गया, आपका जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गया, तो इनके पास तीन डिपार्टमेंट है। वो आपका नितिन जयराम गडकरी, हम जिसे सिंपली से गडकरी जी कह देते हैं, नितिन जयराम गडकरी। उसके बाद है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य यानी कि आपका हेल्थ एवं आपकी जो फैमिली कल्याण मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। याद भी कर सकते हैं स्वास्थ्य पूरे जगत के लिए अच्छा है, तो यहाँ से जगत भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख, तो ये आपके मंत्री थे ऊपर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एधानम। उसके बाद नेक्स्ट आपका, बस ये लिस्ट है कंप्लीट। इस लिस्ट को बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, जितना अच्छे से आप करोगे इस लिस्ट का उतना ही आपको फायदा होगा। लेकिन हमें आज जाने हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छे से हमने लिस्ट को तैयार किया गया है। यदि आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसके पीडीएफ वगैरह आपको दे दिए जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों यदि इन क्लासेस का आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा एडवांस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कराया जाता है फुल सिलेबस, प्लस में सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस मिलती हैं, साथ ही साथ 50 प्रैक्टिस सेट आपको इसके अंदर मिलते हैं, और इसके अंदर कराई जाएगी आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।